तो सोम मतलब ये मदहोश होने का दिन है। ये ध्यान में रखकर ही मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। जहां कहीं भी शक्तिशाली लिंग है वहां विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, ताकि हमारा शरीर और हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन में रुकावट न बने। नमस्कारम सद्गुरु, शिव भक्तों के लिए सोमवार विशेष क्यों होता है? देखिए, चंद्रमास एक खास तरीके से काम करता है। यूं कहिए औसतन 28 दिन। इन 28 दिनों में चार चरण या चार हफ्ते होते हैं। आज ये मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, सोमवार वो सोमवार है। तो सोम मतलब ये मदहोशी का दिन है। ये दिन मदहोश होने के लिए, शराब खाने में जाकर नहीं, शिव जी के मंदिर में। पर यह तभी प्रासंगिक होता अगर आप सिर्फ चंद्रमास का अनुसरण कर रहे होते। तब महीने अलग होंगे, तारीखें भी अलग होंगी, फिर सोमवार हमेशा उस दिन आता जो चंद्र के हिसाब से प्रासंगिक है। लेकिन आज हमने उसी शब्दावली को लिया है और इसे दूसरी प्रणाली में डाल दिया है, जो मेट्रिक सिस्टम की तरह है, 1, 2, 3, 4, 5। पता नहीं क्यों उन्होंने एक महीने में 100 दिन या महीने में 10 दिन या ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया। उन्होंने 30 का बनाया और जब ठीक से काम नहीं बना तो उन्होंने एक महीना 30 का, एक 31 का, 28 का, 29 का बनाया। ये एक खिचड़ी कैलेंडर है, लेकिन यह दुनिया ने अपना लिया है क्योंकि ये पश्चिमी समाजों द्वारा थोपा गया है और इसे आज कैलेंडर के एक मानक के रूप में लिया जाता है। यह पूरा खिचड़ी है क्योंकि इसकी ग्रह प्रणाली से कोई प्रासंगिकता नहीं है। चंद्र कैलेंडर या चंद्र सौर कैलेंडर जिसका हम पालन करते हैं वो ग्रह प्रणाली के तालमेल में है और महीने, सप्ताह और दिन उसके हिसाब से बदलते हैं। उस संदर्भ में सोमवार कुछ प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होना प्रासंगिक है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही मंदिर बनाए जाते थे, ताकि जब कोई मंदिर बनता है तो वो भी एक निश्चित तरीके से घटता और बढ़ता है। In all the Shiva temples, wherever there is a powerful linga, there are specific processes for that. सभी शिव मंदिरों में जहाँ भी एक शक्तिशाली लिंग होता है उसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। ये सब ग्रहों की और उपग्रह चंद्रमा की हमारे चारों ओर की स्थिति से संबंधित था, क्योंकि हम समझते थे कि हमारा जीवन इन चीजों से जुड़ा है, क्योंकि हमारी भौतिक संरचना, यहाँ हमारा अस्तित्व, ये एक कुम्हार का चक्र है जो हमें बनाता है। तो इसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, ताकि हमारा शरीर और हमारे आसपास की भौतिक चीजें हमारे जीवन में रुकावट न बने, तो चंद्र कैलेंडर ऐसे काम करता है कि साल में 12.5 महीने, कभी 13 महीने, कभी 12.5 महीने होते हैं। ये इस तरह से चलता है, जो ग्रह प्रणाली जिस तरह से काम करती है उसके साथ पूरे तालमेल में है। तो इसी आधार पर इन चीजों को ध्यान में रखकर ही मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी।